लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज रेसलिंग चैम्पियनशिप लॉर्ड्स कॉलेज कैंपस हिमायत सागर में मुनाकिद किया गया। इसमें 70 कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस जिमन में जिम्मेदारान ने क्या कहा है। गुड आफ्टरनून, आज बहुत खुशी की बात है कि ये लॉर्ड्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में ये कुश्ती पोटियाँ चल रहा है। मोर देन 70 कॉलेज से टीम्स आए और उस्मानिया अंडर जुडिशन में ये टूर्नामेंट चल रहा है। रियली मेरे बहुत खुशी की बात है कि प्रिंसिपल और अभी फिजिकल डायरेक्टर ये पूरा पेन लेके पूरा टूर्नामेंट कर रहे और ये आउटडोर फैसिलिटीज़ में और मैट अच्छा डाले और इवेंट्स सुबह से चल रहा है और कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया है। और ये पैंडमिक सिचुएशन के बाद में 3 साल के बाद में फिर अपने बच्चों को ये एक मौका मिला खेलने का और मैं सुबह से देख रहा हूँ बच्चे बहुत टैलेंट ज़्यादा है और दे आर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे। अपने वुमेन सेक्शन में मेरे को याद आ रहा है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में मैं जब 2001 में गया था, ये था झारखंड, ये अर्जुन अवार्डी है, उन्हें भी एक बेस्ट रेजलर वुमेन सेक्शन में है। और अपने इंडियन रेजलर्स बहुत सारे सुशील कुमार है और इन लोगों से तरबियत लेके अपने बच्चे बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और एक नेक टू नेक फाइट्स हो रहा है यहाँ। और ये कॉलेज के मैं मुबारक देता हूँ कॉलेज का मैनेजमेंट को और ये उस्मान यूनिवर्सिटी अंडर जुडिशन में एक टूर्नामेंट बढ़िया उन्हें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे और पूरा रेजलिंग का एसोसिएशन के पूरा लोग इधर लगे हुए हैं और ये पूरा लोगों का आशीर्वाद से टूर्नामेंट से बहुत अच्छा चल रहा है और मौसम भी अपने को साथ दे रहा है और ये खुशी माहौल में और टाई फाइट्स बहुत अच्छा चल रहा है और कॉम्पिटिशन बहुत हाई स्टैंडर्ड में चल रहा है और इसका खुशी बात देता हूँ। लॉर्ड्स कॉलेज का चेयरमैन बादशाह ने भी यहाँ मौजूद है और इसका सब लोग बड़े लोग इधर मिल के अपने को ये रेजलिंग कॉम्पिटिशन को बहुत सक्सेस कर रहे, सबको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई एम प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद। आई एम हैप्पी टू से दैट वी आर कंडक्टिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज रेजलिंग टूर्नामेंट्स फ्रॉम 16th to 17th डिसंबर फॉर द लास्ट 2 days। मोर देन 70 फ्रॉम 70 कॉलेजेस स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रेजलिंग कॉम्पिटिशन। From Usmania University, Dean Physical Education, Dr. Satyanarayana has attended. ICT Secretary Dr. Krishna has attended and Siddiqui has attended. Students are very happy with our infrastructure and arrangements. And we are also happy, it is not the first time for us. Lord's Institute of Engineering Technology already conducted one event of Usmania University. Football tournament in 2001 also. We also thank Usmania University authorities for having confidence on us for conducting this Usmania University inter-university sports event here. So we thank Usmania authorities again and we also thank Usmania University Dean Physical Education and also our Physical Education Director Mr. Habib Khan has shown his interest and enthusiasm. He has taken care of all the important aspects of items required. And also, I also thank the referees who have come from different parts of here. They are all excellently conducted this event. I appreciate each and every one. Thank you. Assalamu alaikum. I am Muhammad Habib Khan, Physical Director, Lord's Institute of Engineering Technology. Here, for first time, jo humare paas रेजलिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज रेजलिंग टूर्नामेंट जो हो रहा है यहाँ पर ऑर्गेनाइज लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट काफ़ी टाइम से हम आपको बोल रहा था कि रेजलिंग के हर स्पोर्ट्स के हर टूर्नामेंट्स कराने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। हमारे चेयरमैन साहब बादशाह मोइनुद्दीन सीए बादशाह मोइनुद्दीन साहब एंड वाइस चेयरमैन हमारे तौसीफ सैयद तौसीफ सर एंड सेक्रेटरी रिजवाना मैडम एंड जॉइंट सेक्रेटरी तनवीर सर, प्रिंसिपल नसीमुल सर, जो वाइस प्रिंसिपल आजम पाशा सर, ये सब सारे डीन प्रिंसिपल सब सारे फैकल्टीज़ का बहुत सारा सपोर्ट्स है यहाँ पर हम आपको, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर भी कॉलेज में भी प्रैक्टिस भी होती है
जूडो के मैट्स अवेलेबल है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, पूरा एवरीथिंग हर चीज़ है यहाँ पर। तो टूर्नामेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी हम लोग अलॉट करें तो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। आज सेकेंड डे है, तकरीबन जो फ्री स्टाइल एंड ग्रीक रोमन स्टाइल दो तरह के भी कैटेगरीज होते हैं इसमें, तकरीबन बच्चे और गर्ल्स का भी हो चुका है, अभी गर्ल्स का भी हुआ है। माशाल्लाह से हम आपको मैनेजमेंट इतना फुल्ली सपोर्टेड है यहाँ पर, इसलिए मैं फुल्ली कंडक्ट अच्छे से करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हमारे सत्यनारायण सर भी आए हैं, डीन उस्मानी यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन एंड ICT सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्णा भी सर आए हैं यहाँ पर, हमारे प्रिंसिपल लॉर्ड्स प्रिंसिपल नरसिम्हलू सर सभी का यहाँ पर, हमारे रिजवाना मैडम भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे इंकरेजमेंट हर बच्चों को पर्टिकुलरली पूछ कर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हर चीज़ फुलफिल कर रहा है। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग को टूर्नामेंट्स लेंगे बहुत, अभी नेक्स्ट दिसंबर की 28 को जूडो भी इंटर यूनिवर्सिटी जूडो टूर्नामेंट भी यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं हम आपको रहेंगे, बस इंशाल्लाह यही उम्मीद रखते हैं। तो थैंक यू। नमस्ते, मैं आज स्पेशली हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर रविंदर जी एंड स्पेशली हमारे रजिस्टर सर प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण जी, इन दोनों का पर्सनली मैं अभिनंदन करता हूँ और ये पोस्ट मुझे देने के लिए, स्पेशली ये यंग टीम को देके वो लोग हमारे को सपोर्ट किए हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद। और ये टूर्नामेंट्स कोरोना के बाद हम स्टार्ट किए हैं, रेसलिंग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लास्ट वीक हम बॉक्सिंग भी किए थे, अभी रेसलिंग करें और ऑलमोस्ट सब गेम्स, अभी 21st को हमारा एथलेटिक्स है, ये सबसे बड़ा इवेंट होगा। तो रेसलिंग में फर्स्ट टाइम ये लोग लॉर्ड्स कॉलेज वाले ऑर्गेनाइज किए हैं, तो इसके लिए इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सिटी के इतने दूर रहने के बाद भी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइएस्ट कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट किए है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करे। तो नेक्स्ट टाइम उनका प्रिंसिपल मैडम नेक्स्ट टाइम भी यही करने का, अपना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मैडम नेक्स्ट टाइम भी इधर ही करेंगे बोल के वो लोग बात दिए सोए, और जूडो भी करने के लिए वो अभी मैडम भी बोले हैं जूडो भी करेंगे बोल के। तो थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजर्स को, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करे, कॉलेज भी बहुत सपोर्ट करे, प्रिंसिपल साहब स्पेशली ये कॉलेज का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सपोर्ट करे, हमारे डीन साहब और IOT सेक्रेटरी साहब है सत्यनारायण साहब, उनका योगदान रहा है क्योंकि सिलेक्शन के हर सिलेक्शन में वो आके पर्सनली देख के सिलेक्ट करते हैं। गर्ल्स का सिलेक्शन भी हुआ, अभी बॉयज़ का भी सिलेक्शन इसमें से होगा, जो नंबर वन खिलाड़ी रहेगा वो सब फाइनल में आएगा वो उनको सबको शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में टूर्नामेंट है, वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का ये है। तो इस बार मेडल लाने का हम चांस पे देख रहे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को मेडल आया तो यूनिवर्सिटी का नाम है और कॉलेज का नाम है और अपना इसका कॉलेज का लॉर्ड्स कॉलेज का भी अच्छा ये होगा इधर ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इधर सबको हमारे ऑफिशियल्स को इन लोगों को सबको फूड अरेंज किए हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग करे लॉर्ड्स कॉलेज के प्रिंसिपल को और उनके टीम को, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू इतना ऑर्गेनाइज करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।